बच्चों, कक्षा 10 से पाठ 1, बिहारी के दोहे। कवि हैं बिहारी जी, जिनका जन्म हुआ सन 1595 में और मृत्यु 1663 में। इनका जन्म स्थान रहा ग्वालियर, राजस्थान। बिहारी जी का हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है और इनके द्वारा कहे गए दोहे गंभीर अर्थ को लिए होते हैं, जो एक गहरी सीख देकर जाते हैं। इनके दोहे किसी एक विषय पर नहीं, अलग अलग विषयों पर आधारित हैं, जैसा कि इनका जीवन का अनुभव रहा और इनकी रुचि रही। इनके अधिकतर दोहों में श्रृंगार रस देखने को मिलता है। आइए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम इनका जीवन परिचय जान लें। बिहारी रीति काल के कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनका एक विशेष स्थान है रीति काल के कवियों में। वे मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि हैं। उनको श्रृंगारी कवि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए दोहों में श्रृंगार रस की अधिकता है। इनका जन्म ग्वालियर के फसवा गोविंदपुर गांव में सन 1595 ईस्वी में हुआ था। वे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। उनका कार्य था दरबार के लोगों का मनोरंजन करना। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने सतसई की रचना की। राजा जयसिंह की प्रेरणा के अनुसार ही उन्होंने अपने सभी दोहों की रचना एक ही ग्रंथ सतसई में की। बिहारी राजाश्रित होते हुए भी, यानी कि राजा के ऊपर आश्रित होते हुए भी, स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं था कि उन्हें एक ही तरह के दोहों की रचना या संगीत की रचना करनी है। वे अपनी स्वतंत्र कल्पना के अनुसार रचना कर सकते थे और ऐसा उन्होंने किया भी। अतः उन्होंने कोई भी प्रशंसात्मक काव्य नहीं लिखा। उनका एक ही कार्य था राजा जय सिंह के दरबार के लोगों का मनोरंजन करना और अपने दोहों की रचना करना। 1663 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। आइए इनकी रचनाओं के बारे में जानें। बिहारी ने अपनी सारी प्रतिभा एक ही पुस्तक के निर्माण में लगा दी है। इन्होंने कोई अन्य ग्रंथ या साहित्य नहीं लिखा। साहित्य जगत में बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। जिन दोहों की इन्होंने रचना की है एक ही ग्रंथ में, वह बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रसिद्ध है। इसमें तकरीबन 700 दोहे हैं। प्रत्येक दोहे का भाव गांभीर्य को देखकर, अर्थात इनके दोहों के गंभीर अर्थ को देखकर यह पता चल जाता है कि बिहारी में गागर में सागर भरने की अक्षमता थी, अर्थात थोड़े में अधिक कह देने में वे निपुण थे। गागर में सागर भर देने का अर्थ है थोड़े में ज्यादा का समा जाना। लोक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। बिहारी को लोगों का ज्ञान, अर्थात उस समय के समाज से वो संबंध रखते थे, उनका ज्ञान रखते थे। शास्त्रों का ज्ञान के अलावा भी बिहारी का काव्य ज्ञान, अर्थात कविता के प्रति जो उनकी जानकारी थी, वो बहुत ही श्रेष्ठ थी। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। वे अपने दोहों का सही और स्पष्ट लेखन या कथन किस रीति के अनुसार करें, इस चीज का उन्हें भरपूर ज्ञान था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली दिखें। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनके द्वारा कहे गए या लिखे गए दोहे ज्यादातर श्रृंगार रस से प्रभावित हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनसे श्रृंगार रस की अधिकता दिखाई देती है, अर्थात उससे उनका सौंदर्य और भी बढ़ गया है। पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में मुख्यतः कवि लेखक के द्वारा क्या संदेश दिया जाता है उस पाठ या रचना के द्वारा, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम एक दोहे से ही शुरुआत करते हैं। मांझे पोछी चमकाई, युद्ध प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख, रची सतसई एक। इस दोहे का बहुत ही सुंदर अर्थ है। कहते हैं बहुत ही मांझने पोछने चमकाने, अर्थात बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद अपनी प्रतिभा के द्वारा उन्होंने बहुत यत्न किए, इस छोटे से जीवन में बहुत तरह के सुख का अनुभव किया, अर्थात अपने जीवन के विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपने द्वारा कहे गए दोहों को एक सतसई नामक ग्रंथ में संकलित किया।
बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की है, बिहारी सतसई। इसी ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। उनके द्वारा कहे गए दोहों में, अर्थात दोहे जो होते हैं, वो बहुत छोटा सा छंद होता है या छोटा सा हिस्सा होता है, जिनको बहुत कम शब्दों में गहरा अर्थ स्पष्ट करने में, प्रस्तुत करने में बिहारी जी निपुण थे। अर्थात उनके द्वारा कहे गए दोहों में बहुत गहरा अर्थ छिपा होता था। इसका कहना है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे, अर्थात थोड़े शब्दों में ही बहुत बात कह जाते थे, जो कि बहुत ही अर्थपूर्ण होती थी। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर ही कहा जाता है, उनके द्वारा कहे गए दोहों में जो अर्थ छुपा होता है उसके बारे में भी यह कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कहते हैं सतसैया में बिहारी के द्वारा जो दोहे लिखे गए हैं, ऐसा लगता है जैसे नाविक के तीर हैं वो, क्योंकि वो देखने में छोटे हैं और बहुत गहरा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, अर्थात बहुत गंभीर घाव देकर जाते हैं। बिहारी की ब्रजभाषा मानक ब्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित, अर्थात गहरे अर्थ प्रस्तुत करते हुए दोहे हैं। सतसई में जिन दोहों की रचना बिहारी जी ने की है वे प्रेम और भक्ति पर आधारित हैं और उनके बहुत ही गंभीर सार अर्थात अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी भी हैं, कानून संबंधी भी हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं। उनके दोहों में श्रृंगार रस की अधिकता पाई जाती है, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। उनके दोहों में केवल प्रेम और भक्ति ही नहीं, लोक व्यवहार अर्थात लोगों का जो आपस में व्यवहार था या जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया उस वर्तमान समय में, और उस समय का नीति ज्ञान अर्थात कानून नियम समाज के किस तरह के थे, उन विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। अर्थात इनके दोहों को पढ़कर आप जान जाएंगे कि किस तरह से थोड़े से शब्दों में उन्होंने कितना गहरा अर्थ प्रस्तुत कर दिया है। इस कला में वो बहुत ही निपुण थे। आइए दोहों की शुरुआत करते हैं। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतपू पर्यो प्रभात। सोहत का अर्थ है अच्छा लगना, ओढ़े का अर्थ है ओढ़ना अर्थात पहनना, पीतु पटु का अर्थ है पीले वस्त्र, श्याम कृष्ण को कहते हैं, सलोने अर्थात सांवले, दांत मैंने शरीर अर्थात तन, नीलमणि का अर्थ है नीलमणि का पर्वत, सैल मैंने पर्वत, आतपू का अर्थ है धूप, सोहत मैंने अच्छा लगना। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। बिहारी जी इस दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही शोभा देते हैं, अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो नील मणि के पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही है और वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। जैसे ही सूर्य की किरणें नील मणि के पर्वत पर पड़ती हैं और एक सुनहरी आभा जागृत हो जाती है, ऐसे ही कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र शोभा दे रहे हैं। प्रसंग कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी द्वारा रचित है और यह दोहा उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सतसई से लिया गया है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रसंग कुछ इस तरह से लिखते हैं। आइए व्याख्या जानते हैं। बिहारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात ऐसा लगता है मानो किसी नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। जिस तरह से प्रातःकाल के समय नीलमणि पर्वत का सौंदर्य भी सूर्य की किरणों से निखर आता है, सुंदर दिखता है, ऐसे ही श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों को सूर्य के समान माना गया है। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि नीलमणि पर्वत पर जिस तरह से सूर्य की किरणें आभा बिखेर देती हैं, कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र उनके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। कहलाने